दोस्तों, श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। नए राम मंदिर का स्वरूप तो आपने तस्वीरों में देख ही लिया होगा, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबर ने जिस मंदिर को तुड़वाया था, वह प्राचीन राम मंदिर कैसा था? रामायण में भी अयोध्या के उल्लेख मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या और राम मंदिर का पूरा इतिहास। अयोध्या के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो ये पवित्र शहर पहले कौशल जनपद की राजधानी हुआ करती थी। वाल्मीकि रामायण के बालाकण में प्राचीन अयोध्या शहर की समाधि के बारे में विस्तार से बताया गया है। रामायण के अनुसार अयोध्या शहर 12 योजना लंबी और 3 योजना चौड़ी थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। रामायण में अयोध्या के भव्यता के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पूरे शहर में चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। सड़कों के दोनों किनारों पे तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए हुए थे। पूरा शहर कई तरह के फूलों के बगीचों से भरा हुआ था। शहर के हर एक चौराहे पर बड़े बड़े स्तंभ लगाए गए थे। श्री राम की नगरी अयोध्या में बसने वाले हर एक व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था, जिससे अयोध्या नगर की भव्यता दिखती थी। महाराजा दशरथ ने अपने शासनकाल में अयोध्या को साम्राज्य और काशुकाल शहर के रूप में स्थापित किया था। श्री राम के जन्म के बाद उनके शासनकाल तक अयोध्या की भव्यता यूं ही कायम रही, लेकिन फिर श्री राम के द्वारा जल समाधि लेने के बाद अयोध्या की चमक कहीं खो सी गई। धीरे धीरे अयोध्या वीरान होती चली गई, लेकिन वहां जो महल इत्यादि बन गए थे वो अपनी जगह पर सुरक्षित मौजूद थे। ऐसा भी समय आया जब अयोध्या पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी, लेकिन अभी श्री राम के पुत्र कोश ने अयोध्या फिर से बसाने का फैसला किया और राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इस पुनर्निर्माण के बाद अयोध्या एक बार फिर से भव्यता शहर के रूप में बदल गई। अयोध्या एक प्रमुख शहर के रूप में स्थापित रहा और सरयू आर्य के लगभग 44 पीढ़ी अयोध्या पर शासन करते रहे। अयोध्या पर शासन करने वाले वशन के आखिरी राजा महाराजा भरतबल थे। महाराजा भरतबल के शासनकाल तक अयोध्या एक प्रमुख शहर के रूप में विकसित रहा। महाराजा भरतबल ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया, जहां अभिमन्यु के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। महाराजा भरतबल की मृत्यु के बाद अयोध्या शहर का पतन शुरू हो गया। आबाद शहर से अयोध्या एक वीरान शहर के रूप में बदल गया। आम जनता इस शहर से पलायन कर गए और पूरा शहर घने जंगल के रूप में बदल गया। हालांकि सच्चे राम भक्तों के लिए यह शहर अभी भी पवित्र शहर था और कुछ साधु सातन इस शहर में अपने आश्रम बनाकर रहने भी लग गए। इसके बाद अयोध्या में बहुत ही कम लोग रहने लगे। इस समय काल में उज्जैनी के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या की पवन धरती पर कदम रखते हुए उन्हें कुछ अलग सा एहसास होने लगा और उनको सारी चमत्कारी चीजें दिखने लगी। सम्राट विक्रमादित्य को ज्ञात हो गया कि यह शहर कोई मामूली शहर नहीं है, लेकिन इस शहर का रहस्य किसे पता? इसी प्रश्न के उत्तर की तलाश करने के लिए सम्राट चले गए, जहां उन्हें कुछ साधु सातनों का आश्रम दिखाई दिया। अयोध्या में रह रहे सातनों से बात करने के बाद पता चला कि यह शहर श्री राम की जन्मभूमि है। अयोध्या की वीरानी देखकर सम्राट को काफी बुरा महसूस हुआ। उन्होंने वहां रह रहे साधु सातनों से इस बारे में बात की और फिर उन्होंने अयोध्या को फिर से आबाद करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद उन्होंने अयोध्या में सबसे पहले भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का निर्माण काले रंग का कसोते पत्थर वाले 84 स्तंभों के ऊपर किया गया। इस मंदिर की खूबसूरती का दूसरा कोई मिसाल उस समय धरती पर मौजूद नहीं था। मंदिर के साथ साथ उन्होंने इस शहर में रूप सरोवर और महल इत्यादि का भी निर्माण करवाया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने के बाद समय समय पर अलग अलग राजा महाराजाओं के द्वारा इस मंदिर का देखभाल हुआ और राम भक्तों की वजह से अयोध्या शहर भी आबाद रहा। समय समय पर जब जब मंदिर कमजोर होते गई, तब तब अलग अलग राजा महाराजाओं ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। अयोध्या में राम मंदिर मौजूद होने का जो सबसे पहला लिखित सबूत था, वो चीनी यात्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ था।
सातवीं शताब्दी में भारत ब्रह्मांड पर आया था। अपनी इसी यात्रा के दौरान उसने अयोध्या का जिक्र भी किया था। उसने लिखा था कि यहाँ 20 बुद्ध मंदिर हैं, जिसमें लगभग 3000 बुद्ध भी रहते हैं। इन बुद्ध मंदिरों के अलावा यहाँ हिंदुओं का भी एक प्रमुख और भव्य मंदिर है, जहाँ हर दिन हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। 11वीं शताब्दी तक मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य का प्रतिष्ठित उल्लेख लगा हुआ था, लेकिन फिर कन्नौज नरेश जयाचंद ने विक्रमादित्य के उसी उल्लेख को उखाड़कर उस जगह पर अपना नाम लिखवा दिया था। पानीपत के युद्ध के बाद जयाचंद का देहांत हो गया और इसी के साथ राम मंदिर के पतन की शुरुआत हो गई। ये वो समय था जब भारत पर विदेशी आकृतियों का आक्रमण तेजी से बढ़ रहा था। वो आक्रमण में सारे प्रमुख शहरों को निशाना बना रहे थे। ये लोग प्रमुख शहरों को लूटकर वहां मौजूद मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ दिया करते थे। वो लोग काशी और मथुरा पर आक्रमण करके सब कुछ लूटने और मंदिर को तोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन अयोध्या तक पहुंचने में उन्हें बहुत समय लगा। मस्जिद के निर्माण के बाद ये पूरा इलाका लंबे समय तक मुगलों के नियंत्रण में रहा। मुगलों के पतन के बाद भारत अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया और तब पहली बार राम भक्तों ने राम मंदिर के लिए आवाज उठाई। 1853 में पहली बार मस्जिद और राम जन्मस्थान के विवाद को लेकर दंगे हुए। इस दंगे के 6 साल के बाद 1859 में अंग्रेजों की हुकूमत ने इस पूरे इलाके के चारों ओर बेद लगा दी। मस्जिद के अंदर इबादत का अधिकार मुसलमानों को मिला, जबकि मस्जिद के बाहर एक चबूतरे पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी गई। अंग्रेजी हुकूमत का यह फैसला राम भक्तों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं था। इसी वजह से राम मंदिर को लेकर आंदोलन चलते रहे। भारत के आजाद होने के बाद आंदोलन में तेजी आई और साल 1949 में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण साबित रहा। 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे श्री राम की मूर्ति पाई गई। मस्जिद में मूर्ति मिलने से यहां पूरा आंदोलन एक नया मोड़ ले चुका था। सरकार ने मस्जिद से मूर्ति हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिले के मजिस्ट्रेट के नायर ने हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मूर्ति हटाने के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सरकार ने मस्जिद पर ताला लगवा दिया। 1950 में ये मामला फैजाबाद की अदालत में पहुंचा। अदालत में दर्जी दाखिला की गई, जिसमें राम की पूजा की इजाजत मांगी गई और मूर्ति मस्जिद में जिस जगह पर थी उसी जगह पर रहने देने की इजाजत भी मांगी गई। 1959 में निमरोही अखाड़े के द्वारा तीसरी अर्जी दाखिल की गई। 1986 में फैजाबाद के जिले अदालत ने मस्जिद के अंदर रखी मूर्ति की पूजा कराने की इजाजत दी और मस्जिद से ताला हटाने का भी आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 में राम मंदिर आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस दिन कई लाखों लोगों ने मिलकर बाबरी मस्जिद को तोड़ डाला। इस घटना के बाद देश भर में दंगे भड़क गए, जिसमें लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या पे फैसला करते हुए विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में काटने का फैसला सुनाया, जिसमें एक हिस्सा सनूनी बोर्ड को, एक रमाला विराजमान और एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर समझौता करने की कोशिश करी गई, एक मध्यस्थता पैनल के गठन किया गया, लेकिन 2019 तक कोई समझौता नहीं हुआ। इसके बाद 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पे रोजाना सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया। 9 नवंबर 2019 को 5 जजों के बीच में फैसला हुआ कि 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को दे दी जाए और मुसलमान पक्ष को मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ की जमीन दे दी जाए। इसी ऐतिहासिक फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की भूमि पूजना हुई। इसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। अब दुनिया भर के हिंदुओं को 22 जनवरी के उस ऐतिहासिक तारीख का इंतजार है, जिस दिन राम मंदिर की दीवार भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
राम मंदिर से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।